स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ा था डिटेल्स में कि कंपोजिट बार्स में कैसे थर्मल स्ट्रेसेस निकालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स। हमारे चार तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं गाइस। फर्स्ट होता है हमारा पॉइजन रेशियो, दूसरा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड होता है बल्क मॉडुलस एंड द लास्ट वन फोर्थ होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सो शुरू करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी बट एट द सेम टाइम देयर इज डिक्रीज इन अदर डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जब भी हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं तो वो तीन डायमेंशन है। तो जब हम एक डायमेंशन में लोड लगाते हैं, मान लीजिए हम एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो इंक्रीज होगा, जो लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जो अदर डायमेंशन है उसकी, उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमेशा होता है गाइस कि जब भी हम एक डायरेक्शन में लोड लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो तो इंक्रीज होगा, पर जो अदर डायमेंशन होती है वो डिक्रीज होगी। अब दो टाइप्स की स्ट्रेंथ डेवलप होती है जब हम एक डायरेक्शन में लोड लगाते हैं। पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो भी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक्स डायरेक्शन में लोड लगाया, तो जो एक्स डायरेक्शन में हमारी जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेन क्या होती है, जो भी चेंज इन डायमेंशन होता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेन होती है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका चेंज इन डायमेंशन है वो कितना होगा, डेल्टा एल, और जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो कितना होगा, एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी क्या होगी, डेल्टा एल बाय एल। ये स्ट्रेन जो है वो डिपेंड करती है कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी क्या हो जाएगी, द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका लोड लगता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होती है वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बात करते हैं अब लेटरल स्ट्रेन की। सो लेटरल स्ट्रेन, अब जो अदर डायमेंशन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगी, जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगी, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो जो अदर डायरेक्ट डायमेंशन होगी वाई एंड जेड एक्सिस जो होगी उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगी वो स्ट्रेन क्या कहलाएगी, हमारी लेटरल स्ट्रेन। सो दो टाइप्स की स्ट्रेन होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिस भी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये लेंथ हो गई, तो बची डायमेंशन ये बी हो गई और ये एच हो गई, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगी डेल्टा बी बाय बी और डेल्टा एच बाय एच, ये क्या होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, ये पूरा हमारे जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट है पूरे टॉपिक में चलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और जो अदर डायमेंशन है उस डायमेंशन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगी वो लेटरल स्ट्रेन है। अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर टेंसाइल है, लॉन्गिट्यूडनल अगर क्या है, टेंसाइल है, मींस अगर इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल स्ट्रेन आएगी। तो जो अदर आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी या अदर डायमेंशन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, कंप्रेसिव हो जाएगी। मींस ये दोनों अपोजिट होती है, अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव हो जाएगी, और अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो लेटरल स्ट्रेन आपकी टेंसाइल हो जाएगी। सो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि जो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है किसी भी मटेरियल के लिए वो कॉन्स्टेंट होता है। अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है पॉइजन्स रेशियो, और ये वेरी करता है आपका 0 से 0.5 तक। सो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं गाइस, न्यू से, और मैथमेटिकली हम कैसे देते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट हो गया इलास्टिक कॉन्स्टेंट फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइजन्स रेशियो, जब हम रिलेशन करेंगे तभी हमको वहां पे देखने को मिलेगा। सो पॉइजन्स रेशियो आप याद रखें, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि लेटरल स्ट्रेन है डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन है। सो ये लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है कि जो भी चेंज आएगा वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो जो रेशियो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम ईवी से डिनोट कर रहे हैं। सो ईवी इज इक्वल्स टू डेल वी डिवाइडेड बाय वी, जहां पे डेल वी आपका क्या है चेंज इन वॉल्यूम, एंड वी जो आपका है वो क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम। अब गाइज ये सारी स्ट्रेन चल रही है और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी यूनिट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो टर्म्स है ये क्या है यूनिटलेस है। जो आपका पॉइजन्स रेशियो है वो भी क्या है यूनिटलेस है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट है जो कि स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का ही रेशियो होता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो है, तो वो भी क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे कोई यूनिट की बात नहीं कर रहे। अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हम निकालेंगे कैसे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी क्या हो जाएगी, जो भी तीनों डायमेंशन में जो आपका चेंज आएगा एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में, तो जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी उनका जो सम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो अगर हम एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे स्ट्रेन तो क्या हो जाएगी हमारी डेल्टा एल बाय एल, अगर हम वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी डेल्टा बी बाय बी, एंड हम जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डेल्टा एच बाय एच। नाउ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी और बाकी हमारी क्या हो जाएगी लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कैसे बदल सकते हैं, इस फॉर्मूले से बदल सकते हैं। सो यहां पे हमारा न्यू क्या हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल है ये अपोजिट होते हैं साइन में, मींस लॉन्गिट्यूडनल अगर टेंसाइल है तो ये आपका क्या होगा कंप्रेसिव होगा, मींस जो इसका रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल लिख रहा हूं और लेटरल स्ट्रेन क्या लिख रहा हूं डेल्टा बी बाय बी एंड डेल्टा एच बाय एच, अगर मैं इनको चेंज करता हूं तो मैं इस फॉर्मूले से चेंज कर सकता हूं, मीन्स लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी है हमारी डेल्टा एल बाय एल। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस न्यू इनटू डेल्टा एल बाय एल। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो हमेशा दोनों अपोजिट होते हैं तो हमेशा माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस न्यू इनटू डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एच बाय एच को भी यही लिख सकते हैं माइनस न्यू इनटू डेल्टा एल बाय एल। सो ये माइनस टू हो जाएगा माइनस टू न्यू और डेल्टा एल बाय एल कॉमन आएगा, तो फाइनली आपका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू वन माइनस टू न्यू। अब गाइस ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाली हमने ये जब आपका एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब निकाला है, सिर्फ यहां पे एक ही डायरेक्शन में, मींस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है यहां पे देखो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है या एक्स एक्सिस है सिर्फ उसमें ही हमने फोर्स लगाया है, तब जब हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आती है डेल्टा एल बाय एल इंटू वन माइनस टू न्यू। अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम तीनों डायरेक्शन में
फोर्स लगाएंगे, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आती है वो देखेंगे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपल है, जो भी चेंज आता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हमने पॉइजन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करा उसको डिफाइन करने के लिए। अब ये वाली जो स्ट्रेन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स के कारण है। अब हम डराइव करते हैं कि अगर तीनों एक्सिस पे फोर्स लग रहा है तो उस केस में हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है या जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितनी आती है। सो हम इसका डेरिवेशन करते हैं गाइस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। सो यहां पे आपका तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। तो यहां पे आपका तीनों एक्सिस में स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, जो भी तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी उन सबका समीशन होगा, मीन्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अगर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिखते हैं तो गाइज ये वाली समझने वाली बात है, यहां पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, सिग्मा एक्स बाय ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई। तो हम समझते हैं कि हमने स्ट्रेन ये क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए, जब मैं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखूंगा तो सिग्मा बाय ई, तो हमको पता है कि स्ट्रेन सिग्मा बाय ई होता है, तो जो एक्स डायरेक्शन में है वो तो लॉन्गिट्यूडनली है, तो सिग्मा एक्स बाय ई तो वही रहेगा। बट अब यहां पे भी तो फोर्स लग रहा है तो उसके कारण भी एक्स डायरेक्शन में भी क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी। अब हम यहां पे जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेस आएगी वो कितनी आएगी, माइनस ए माइनस न्यू सिग्मा वाई बाय ई। बट हमको जब उसको हम लॉन्गिट्यूडनल में लाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। सो हम उसको लेटरल को लॉन्गिट्यूडनल बनाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, माइनस का न्यू इंटू कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा। और यहां पे स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, सिग्मा वाई बाय ई, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी सिग्मा वाई बाय ई, और लेटरल हम कितनी लिख सकते हैं, माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। ये आपकी स्ट्रेन होती है। बट ये स्ट्रेन किस डायरेक्शन में है, ये आपकी स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में। बट अभी हम कहां पे निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी सिग्मा वाई बाय ई, ये वाई डायरेक्शन में, बट अभी हम कहां पे निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन उसके लिए क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी लॉन्गिट्यूडनल है ना इस डायरेक्शन में। तो लेटरल निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस न्यू इंटू स्ट्रेन कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उस डायरेक्शन में कितनी, सिग्मा वाई बाय ई। सिमिलरली जेड के कारण, अब एक्स में जेड के कारण भी आएगा, तो जेड की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, सिग्मा जेड बाय ई। बट अभी हम कहां पे निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो एक्स उसके लिए क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, माइनस न्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस सिग्मा जेड इंटू ई। अब ये सिर्फ हमने किस डायरेक्शन में निकाली है गाइस, एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, सिग्मा वाई बाय ई, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस न्यू इंटू, अब ये लेटरल है तो इसके लिए यहां पे लॉन्गिट्यूडनल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स बाय ई। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, माइनस न्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई। ये वाई डायरेक्शन में निकली है गाइस, जेड डायरेक्शन में निकालेंगे तो सिग्मा जेड बाय ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स बाय ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। अब ये हमने तीनों डायरेक्शन में क्या निकाल लिए, स्ट्रेन निकाल लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जो भी आपका एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन, तो हम उसको क्या कर देंगे, तीनों टर्म्स को लिख के एड कर देंगे। अब जब हम एड करेंगे तो सिग्मा एक्स बाय ई, सिग्मा वाई बाय ई और सिग्मा जेड बाय ई को अलग कर लेंगे, और ई हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। यहां पे हम ये जो टर्म्स है न्यू वाली उनको अलग लिख लेंगे, तो वो सारी दो दो है, तो वो माइनस टू न्यू बाय ई हो जाएगा, और ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड क्या जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे तो ये वाली टर्म जो है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाय ई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया और इंटू में क्या कर दिया, वन माइनस टू न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहां से हम डायरेक्ट, अब ई वी क्या होता है, डेल वी बाय वी, सो इस टर्म को हम निकाल के वॉल्यूम इंटू करेंगे तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, या डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हम इससे डायरेक्ट चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और अभी हम जब आगे रिलेशनशिप निकालेंगे इलास्टिक कॉन्स्टेंट में, तो वहां पर भी हमको ये मदद करेगा। सो आपको क्या याद रखना है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो आपकी क्या होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई इंटू वन माइनस टू न्यू। यहाँ पे जो आपका ई है वो इलास्टिक कॉन्स्टेंट है, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहले भी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे जो न्यू है वो है आपका पॉइजन रेशियो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड स्ट्रेस है करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व होता है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, टेक ई इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्योर एंड पॉइजन्स रेशियो 0.25। और हमको ये ब्लॉक दे रखा है जिसमें हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है 5 किलो न्यूटन, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन, और जेड डायरेक्शन में फोर्स कितना है 6 किलो न्यूटन। और हमारे पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमारे पास 40 mm, ये वाली डायमेंशन है 300 mm, और ये वाली डायमेंशन है हमारे पास 100 mm। सो गाइज, उसने हमको स्ट्रेस डायरेक्ट नहीं गिवन है, स्ट्रेस की बजाय उसने हमको फोर्स गिवन है। और स्ट्रेस कैसे निकालना है, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपका लोड होगा इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय जो उसका एरिया होगा। सो लोड इन एक्स डायरेक्शन कितना है आपका 5 किलो न्यूटन, तो इसको हम न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब एरिया कौन सा लिखे, हमारे पास यहाँ पे तीन डायमेंशन है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होता है जो कि लोड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप यहाँ पे लोड देखोगे तो लोड के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, ये वाला, तो नॉर्मल एरिया हम ये लेंगे, तो इसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास 100 इंटू ये 100 हो गया, और ये कितना है 40 mm स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में वो कितना आ जाएगा 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो गाइज, ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स। सिमिलरली हम सिग्मा वाई निकाल लेंगे, तो सिग्मा वाई कितना हो जाएगा, जो भी आपका वाई डायरेक्शन में जो लोड है तो 4 किलो न्यूटन, तो वो आ गया 4000 न्यूटन। और जो इसका नॉर्मल एरिया है, तो नॉर्मल एरिया ये वाला है, मीन्स 300 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 300 इंटू 100। सो सिग्मा वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.133 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा जेड देखिए, सिग्मा जेड क्या है कि जो भी आपका जेड डायरेक्शन में लोड है, सो ये आपका 6000 न्यूटन, और इसका जो नॉर्मल एरिया है वो, सो नॉर्मल एरिया कितना है आपके पास 300 इंटू 40, सो ये आ गया आपका 300 इंटू 40। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हमारे पास सिग्मा जेड आ गया, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया एंड सिग्मा जेड आ गया। अब जब हम निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है उसका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई इंटू वन माइनस टू न्यू। सिग्मा एक्स कितना है 1.25, ये कितना है 0.33 डिवाइडेड बाय ई आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5, और न्यू आपको गिवन है 0.25। अब गाइस, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होता है, डेल वी बाय वी, और हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डेल वी बाय वी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के बाद हमारा वी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका 40 इंटू 300 इंटू 100, तो ये हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 + 1.25 + 0.133 + 0.5 × सो गाइज, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई,
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का इनटू कर सकते हैं। सो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 300 × 100 × 40। सो इसमें हम जब 300 × 100 × 40 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.649। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, mm³। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। सो आपको एक ब्लॉक दे रखेंगे, उसमें तीनों डायरेक्शन में आपको फोर्सेस गिवन रहेंगे, तो उन फोर्सेस के कारण हम क्या निकाल सकते हैं, σx, σy, and σz। अब बस आपको एरिया का देखना है कि उसके नॉर्मल एरिया कौन सा है, परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, तो वो हम नीचे रख देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो आपको σx, σy, and σz मिल जाएगा। फिर हमने अभी एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला डिराइव करा है, तो उस फॉर्मूले में हम σx, σy, σz रख देंगे। ई और न्यू आपका कॉन्स्टेंट होता है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो ई और न्यू हम रख देंगे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी उसने क्या पूछा है, हमको चेंज इन वॉल्यूम पूछा हुआ है। क्या पूछा है, चेंज इन वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें हम क्या इनटू कर देंगे, हमारा वी। तो वी इनटू कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो हमारे पास आ जाएगा। और उसकी यूनिट हमको कितना रखना है, mm³, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो काय में होता है, mm³ में होता है। सो गाइज, हम ऐसे वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं या चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं।